अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार, पहुँचे पाकिस्तान से लेके पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट करें। और आप देख रहे हैं आज का तड़का। आज के तड़के में बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपीज़ जो हैं बनने वाली हैं। बहुत ही ज़बरदस्त हम बैंगन कीमा मसाला तंदूरी जो है वो तैयार कर रहे हैं, और एक बहुत ही ज़बरदस्त चटपटी सी जो है ना मसाला दाल जो है वो भी तैयार करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ 12 रबी अव्वल करीब आती जा रही है। इस वीक का ये हमारा शो लास्ट शो है, और उसके बाद संडे के दिन 12 रबी अव्वल है। और इस मुबारक महीने में हमने कोशिश की है कि अपने प्रोग्राम में कुकिंग के साथ साथ आप लोगों के लिए भी कुछ चीज़ों का इंतज़ाम किया है हमने। और अब मैं दुआ करता हूं, और आप लोग भी दुआ करें कि इस मुबारक महीने में बहुत सारे पाकिस्तान के अंदर मुश्किल हैं वो दूर हों, और हम अल्लाह ताला और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसमें जो है नाते अकीदत भी पेश करते हैं, और दिल से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क में अमन व अमान रखे, सबकी सेहत अच्छी रखे, और तमाम लोग जो परेशान हैं इस वक्त उनकी परेशानी को दूर करें। तो आज हमने सोचा कि आप लोगों के लिए एक दावत का इंतज़ाम किया हमने। वो दावत ये है कि हमारे पास बहुत ही पाकिस्तान के मशहूर मारूफ कवाल जो हैं उनको मैंने दावत दी अपने शो के अंदर, और हमारे पास मौजूद हैं शकील अदील साबरी एंड ब्रदर्स, और इनसे जो है आपको इंट्रोड्यूस करवाऊँ। जी सलाम अलैकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि इस मुबारक महीने में और इस दिन आप हमारे साथ हैं। और मैं चाहूँगा कि पहला कलाम क्या पेश करेंगे आप? पहला कलाम जो है वो कव्वाली का जो आगाज़ होता है, जी जी, वो कौन से होता है? अच्छा ठीक है, तो कौन पेश करेंगे? जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अपनी दुआओं में भी याद रखिएगा। तमाम लोग आपको देख रहे हैं, और साथ में जो भी अकीदत आप पेश कर रहे हैं अल्लाह ताला उसको कबूल भी फरमाए। आमीन। जी बिस्मिल्लाह। दर तानी हम तुम ताना ना 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 ताना ना ना रे हम तुम ताना ना 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 हम तुम ताना ना 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 ताना ना ना रे ताना ना ताना ना ना रे ताना ना ताना ना ताना ना ना रे ताना ना ताना ना ना रे तो ताना ना 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 दे दे ना दे दे ना दे दे ना दे दे ना dum da na 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 dum da na 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 de 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 da 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 na de 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 da na 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 dum da na 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 dum da na 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 dum da na 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 re ta na na ta na 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 re ta na na ta na ha ji is call ke andar buzurgane din ne ek classical bhi rakha hai तनवे बाब मेरे उस्ताद मोहतरम मकबूल अहमद साबरी बहुत पेश किया करते थे, आपके सामने पेश कर रहा हूँ।
तन रे बाप Shut up.
ناظرین اور یہاں جو ہے بہت ہی زبردست ریسیپی سٹارٹ ہونے جا رہی ہے قیمہ بینگن تندوری جو ہے یہ مسالے کے ساتھ بنائیں گے اور اس کے لیے ہمیں جو ہے آئل چاہیے ہوگا اور آئل جو ہے ہم نے لے لینا ہے تقریباً 2-3 ٹیبل اسپون اور اس میں ہم نے شامل کر دینا ہے گارلک یعنی کہ لہسن چاپ ٹھیک ہے جی اور اس کے ساتھ ہم نے قیمے کو بھی ایڈ کر دینا ہے تاکہ اس کی مہک بھی دور ہو جائے اور ساتھ میں قیمہ جو ہے نا اس کے ساتھ پکنا شروع ہو جائے اور اس کے بعد باقی چیزیں بھی ساتھ میں ایڈ کریں گے بہت اچھا ہے آخر میں اس میں آپ کوئلے کا دھواں دے دیتے ہیں تو بہت ہی زبردست ریسیپی تیار ہوتی ہے جہاں بات ہو رہی ہے کھانے کی وہاں ہمارے پاس آج جو مہمان ہیں شکیل اینڈ عدیل صابری برادرنس جو ہیں یہ حیدرآباد سے ہیں ٹھیک ہے جی اور سب سے پہلے تو ان کا شکریہ بہت اس موقع پر انہوں نے ہمارے پاس آ کر بڑا ایک عزت افزائی دی اور آپ لوگوں کے لیے بھی ایک زبردست قوالی جو ہے نا وہ پڑھی ہے اور آگے بھی انشاءاللہ بھی ہم ان سے بہت ساری چیزیں سننی ہیں ویسے چھوڑنا نہیں ہے ان کو لیکن یہ کہ حیدرآباد جہاں بات ہوتی ہے حیدرآباد کی تو وہاں کے بہت سارے کھانے مشہور ہیں تو جی شکیل صاحب کیسے ہیں جی حیدرآباد میں بہت سارے کھانے ہمارے بڑے مشہور ہیں جو اب پورے پاکستان میں لوگ بڑے شوق سے کھاتے ہیں تو ایک تو ربڑی ہے بہت مشہور ہے وہ تو حاجی کی حاجی ربڑی جی جی اور اس کے علاوہ کیا کیا چیزیں ہیں اور وہاں کی بہت حضرت بہت ساری چیزیں ہیں جی حیدرآباد میں جی اچھا موسم ابھی تھوڑا ٹھنڈا ہوتا جا رہا ہے نا تو آپ کے یہاں فش بھی سنا ہے میں نے بہت زبردست فرائی فش ملتی ہے جی حیدرآباد میں یہ اکبر مچھلی والا مشہور ہے اچھا بہت مشہور ہے ٹھیک 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 اور ٹکے کے حساب سے شمع ٹکا اچھا ٹھیک ہے زبردست کیک کے حساب سے بمبئی کے بمبئی ہاں بمبئی جو اپنا بیکری کا جو کیک ہے وہ بھی بہت مشہور ہے تو اچھا ایک بات میں نے سن رکھی ہے جو قوال حضرات ہوتے ہیں وہ کھانے پینے کے بڑے شوقین ہوتے ہیں یا زیادہ کھاتے ہیں ایسا کچھ ہے یا صرف ایسے ہی افواہ اڑی ہوئی ہے کھانے کو تو اتنے یاد میں کھاتے جتنا پیٹ میں جی 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 شوقین ہوتے ہیں ویسے کھانے پینے شوقین ہوتے ہیں اچھا اچھا میٹھا جو ہے وہ خاص طور پہ میٹھے پہ زیادہ فوکس ہوتا ہے یا نارمل میں اپنی کہوں گا میرا میٹھے پہ فوکس زیادہ اچھا زیادہ ہوتا ہے تو خاص قسم کی جو حلوے وغیرہ جیسے کہ گاجر کا حلوہ ہاں ٹھیک ہے اس موسم میں تو بھی زبردست گاجر کا حلوہ چل رہا ہوگا مٹھائی میں کوئی سی بھی چیز رکھ دے میں نہیں چھوڑوں گا اچھا زبردست زبردست تو اس طرح سلسلہ چلتا رہتا ہے آپ لوگوں کی اس وقت مصروفیت ربیع اول کے مہینے میں کچھ زیادہ ہوتی ہیں جی الحمدللہ ربیع الاول میں مصروفیت زیادہ ہو جاتی ہے جی جی لیکن اللہ پاک کا خاص کرم ہے سر ماشاءاللہ خاص سبحان اللہ سبحان اللہ مرشد پاک کا کرم جی کہ بارہ مہینے چلتے ہی رہتے ہیں سرکار چلاتے ہیں چلا کرتے ہیں چلا کرتے ہیں ٹھیک ہے اچھا یہ صابری برادران جو اپنا ہمارے ایک بہت اچھے دوست تھے امجد صابری صاحب ان کے ساتھ میں نے بڑے شوز کیے ہیں بالکل پاکستان میں بھی کیے ہیں پاکستان سے باہر بھی ہم نے شوز کیے ہیں ساتھ میں اور ایک نائس پرسن اللہ تعالیٰ ان کو اپنے زمان میں رکھے اور جنت الفردوس میں ان کو جگہ دے آمین اور انہی سے آپ کا کوئی سلسلہ ہے یا یہ یہ کوئی برادری ہے حضرت یہ برادری کہہ لیجیے گا ٹھیک ہے لیکن امجد بھائی اور غلام فرید صاحب جی مقبول احمد صاحب جی بالکل یہ پاکستان کا سرمایہ بہت بالکل ابھی بھی ہیں ماشاءاللہ ابھی بھی لوگ ان کو آج بھی اسی طرح سے یاد کرتے ہیں ہر محفل میں وہ ہوتے ہیں ہر جگہ وہ ہوتے ہیں بالکل 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 ہر ٹی وی چینل پہ صابر برادر جی بالکل بالکل ایسا ہی اور دنیا کے کسی خطے میں بھی چلے جائیں میں سمجھتا ہوں صابر برادر موجود صحیح 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 ایک بہت زبردست میں سوال ہے وہ میں پوچھوں گا لیکن ذرا اس کو میں وہ کر دوں اسٹارٹ کر دوں ٹھیک ہے اور اس میں ہم نے جو ہے نا دہی لے لینا ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ لال مرچوں کا پیسٹ ٹماٹر کا پیسٹ ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ہم نے تھوڑا سا زیرہ بھی ایڈ کرنا ہے اس میں کالی مرچ ہے اور اس کے ساتھ گرم مسالہ ہے تھوڑا دھنیا پاؤڈر ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ جو ہے تھوڑی سی ہلدی نمک اب جو ہے آپ اپنے حساب سے حسب ذائقہ جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں تھوڑا کم زیادہ بھی ٹھیک ہے اس لیے کہ قیمہ بن چکا ہے تو پھر اب میں اس میں ٹماٹر ایڈ کر کے اس کو مکس کروں گا تھوڑا سا پانی کے ساتھ اس کو ہم پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ قیمہ اور بیگن جو آپس میں مکس بھی ہو جائیں اور پک بھی جائیں ٹھیک ہے اور
آخر میں ہم دو چیزیں ایڈ کریں گے جس میں بٹر ہے اور لیمو کا رس ہے. یہ آپ کھٹاس کے لیے تھوڑا سا لاسٹ میں ایڈ کریں تو زیادہ اس کا اچھا ٹیسٹ آتا ہے. ٹھیک ہے, باقی میں ہمارے پاس شکیل بھی ہیں, عدیل بھی ہیں, ان سے بھی ٹیسٹ کروا کر پوچھیں گے کہ آج ویسے آپ بہت سارے کھانے کھاتے رہتے ہیں تو ہمارے کھانے کا ٹیسٹ آپ کو کیسا لگا. ٹھیک ہے جی, جی بہت سارے سوالات ہیں لیکن میں چاہوں گا کہ ہم اپنا ٹائم ضائع کیے بغیر نیکسٹ کلام کی طرف چلتے ہیں. جی Ah!
कीमा आधा किलो, बैंगन 3 से 4 अदद, दही आधा कप, टमाटो प्योरे आधा कप, मोजरेला चीज 200 ग्राम, लहसुन चॉप 2 खाने के चमचे, लाल मिर्चों का पेस्ट 2 खाने के चमचे, गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर आधा चाय का चम्मच, काली मिर्च कुटी हुई आधा चाय का चम्मच, जीरा पाउडर आधा चाय का चम्मच, लीमू का रस 1 खाने का चम्मच, तेल 4 से 5 खाने के चमचे, मक्खन आधा कप, नमक हसबे जायका। तरकीब, पैन में तेल गरम करके लहसुन को फ्राई कर लें। अब इसमें कीमा शामिल करके भूने, दही, टमाटो प्योरे, नमक, लाल मिर्चों का पेस्ट, हल्दी पाउडर शामिल करके मिक्स कर लें और इतना भूने कि कीमा खुश्क हो जाए। लीमू का रस शामिल करके मिक्स कर लें और उतार लें। बैंगन के गोल स्लाइसेस काट कर नमक लगा लें और तवे पर सेक लें। अब बेकिंग डिश में मक्खन लगाएं और बैंगन तह में लगाएं। ऊपर से आमेजा डालें, मोजरेला चीज छिड़कें और पहले से गर्म ओवन में 200 सेंटीग्रेड पर गोल्डन होने तक बेक कर लें। निकाल कर सर्व करें। वेलकम बैक नाजरीन, और यहाँ जो है बहुत ही ज़बरदस्त बैगन कीमा तंदूरी जो है वो तैयार हो रही है। आखिर में मैंने इसको जब थोड़ा ग्रेवी गाढ़े होने लगी तो उसमें हम बटर ऐड कर देंगे और साथ में इसमें थोड़ा सा लेमन जूस, और इसको बिल्कुल धीमी आंच पर बनने के लिए छोड़ देना। अब मैं आ जाता हूँ दाल की तरफ। हमारे पास एक बहुत ही मज़ेदार दाल है, उसके लिए मैंने तकरीबन 4 से 5 जवे हमने लहसुन के ले लिए हैं और उसे हमने कूट लिया है, चॉप भी नहीं किया अभी नहीं, ठीक है। इसमें हमने कुछ दाने जो हैं लौंग के, कुछ थोड़ा सा ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, और उसके बाद दालचीनी ये आपने ऐड कर देना है, ठीक है। और उसके बाद इसको करना है मिक्स, थोड़ी सी कड़कड़ाहट आ जाए इसमें आपने शामिल कर देना है। ये मेरे पास लाल मिर्चों का और अदरक का हमने पेस्ट बना रखा है, ठीक है। इसे हमने डाल देना है, बहुत अच्छी सी खुशबू इसकी। और जब ये मसाला आपका इस तरह से मिक्स हो जाए, उसके बाद फिर आपने 2 दालें मैंने सेलेक्ट की हैं इसमें से, एक मूंग की दाल है और एक जो है मसूर की दाल है, ठीक है। आप दोनों में से कोई एक भी ले सकते हैं या दोनों इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और इसमें आपने थोड़ा पानी ऐड कर देना है, ताकि जो बाकी बची हुई दाल है ना वो भी इसमें चली जाए। ये मैंने दालों को ऐड कर दिया। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये हरी मिर्चें, ये भी हमने ऐड कर दी। थोड़ा सा नमक जो है वो भी डाल दिया, ठीक है, और इसे कर दिया मिक्स। अब इसके ऊपर आप लास्ट में लहसुन का भी बघार लगा सकते हैं, रायदाने का या कड़ी पत्ते का, ठीक है। बहुत ही टेस्टी ये दाल बनती है। अभी से आप देखें कलर इसका बहुत ही अच्छे से आ गया, खुशबू आ रही है जी शकील साहब, खुशबू आ रही है, ठीक आ रही है। ये दाल चावल वैसे सबसे दुनिया में बहुत सारी चीज़ें मशहूर हैं, लेकिन दाल चावल की अपनी एक बात है, क्या ख्याल है? तो हैदराबाद में कोई दाल चावल मशहूर है आपके पास? हैदराबाद में दाल चावल हमारे घर से अच्छा नहीं है। क्या बात की आपने, कहते हैं कि बाहर के मुर्गे मुसल्लम से बेहतर है कि घर की दाल, इसलिए कि वो सफाई सुथराई से बनती है। और आजकल के दौर में बीमारियाँ बहुत सारी लग रही हैं, तो बेहतर है कि इसको हम घर की चीज़ों को इस्तेमाल करें। अच्छा, कवाली के अंदर जैसे होता है कि इसमें कोई आपको उस्तादी भी लेनी पड़ती है? अल्हम्दुलिल्लाह इसमें उस्तादी भी होती है, बाकायदा तौर पर सीखा जाता है, प्रैक्टिस जी, तालीम भी ली जाती है, तालीम भी ली जाती है, ठीक है। पढ़ने की भी तालीम ली जाती है, अदब की भी तालीम ली जाती है, बेशक। और जो है कव्वाली जैसे कि बुजुर्गाने दीन से चलती आ रही, बिल्कुल से चली कैसे चली, तो उसकी भी एक तालीम, ठीक ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने बताया तो उससे तालीम जी, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह ने करम कराया, माशाल्लाह। वो आपके आवाज़ में आप लोगों के एक आपस की कॉन्डिजिनेशन में, ठीक है, प्लीज़ तुम्हीं को देखा हसीन देखे, जमील देखे, परे
चौखट पे बिछाया ही नहीं मैंने दामन किसी चौखट पे बिछाया ही नहीं क्योंकि अल्लाह ने कहा कब में सरकार नहीं है मेरे जब कहा
हमारा ईमान हमारा यकीन है कि हम जब दुनिया से रुखसत होंगे तो आका इनामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी कब्र में तशरीफ लेकर आएंगे और हमारे सवाल जवाबों में अल्लाह पाक के सदके में अल्लाह पाक महबूब के सदके में नरमी अता फरमाएगा। जब कहा कब्र में सरकार ने मेरे जब कहा नकीरों ने मुझे हाथ लगाया ही नहीं फिर नकीरों ने मुझे हाथ लगाया ही नहीं क्योंकि अल्लाह आप सा दोनों जामे नजर आया ही जब का दाल मूंग आधा कप लहसुन एक पोथी साबुत लाल मिर्च 7-8 अदद अदरक 1 इंच का टुकड़ा लौंग 2-3 अदद दालचीनी 1-2 डंडियां सफेद जीरा 1 चाय का चम्मच हरा धनिया आधी कटी हरी मिर्चें 3-4 अदद ऑयल 4-5 खाने के चमचे नमक हस्बे जायका। तरकीब सबसे पहले एक ब्लेंडर जग में 3 लाल मिर्चें और अदरक को एक साथ ब्लेंड करके पेस्ट बना लें और एक तरफ रख दें। अब एक पैन में पानी डालें और इसमें दाल मसूर और मूंग लहसुन लौंग दालचीनी और नमक डालकर बॉईल कर लें। उबाल आ जाए तो ढक्कन को आटे की लई से बंद कर लें और हल्की आंच पर पकाएं। जब दाल गलने के करीब आ जाए तो इसमें हरी मिर्चों को कट लगाकर डालें और साथ हरा धनिया भी शामिल कर लें। लहसुन की पोथी को निचोड़ कर शामिल करें। लाल मिर्च अदरक का मिक्सचर भी दाल में शामिल करके अच्छी तरह से मिक्स करें। 5-7 मिनट तक पकाएं और उतार लें। अब एक पैन में ऑयल डालें और इसमें बची हुई साबुत लाल मिर्चें और जीरा शामिल करके दाल पर भगाड़ लगा लें और उबले हुए चावलों के साथ सर्व करें। लजीज बंगाली मसूर दाल तैयार है। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है हमारे पास दोनों रेसिपी, ये हमारी बैंगन कीमा तंदूरी जो है ये भी तैयार हो चुका है और साथ में जो है दाल भी हमारी फाइनल हो चुकी है। अब इस पे बघार लगना है और इसको एक कोयले का धुआं देने के बाद थोड़ा सा इस पे मोज़रेला चीज़ जो है अगर आप छिड़क दें तो बच्चों को भी बहुत पसंद आता है, तो इस तरह से आप इसे डिफरेंट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ थोड़ी सी कोरिएंडर जो है वो आपने बीच में ऐड कर देना है तो इससे इसकी खूबसूरती भी आ जाएगी, ठीक है। और इसके साथ यहाँ मेरे पास लाल मिर्च हैं, ये हम ऐड करेंगे बघार के लिए और थोड़ा सा ज़ीरा, ठीक है जी। ये दोनों चीज़ें आपने ऐड कर देना और बघार तैयार करने के बाद दाल पर बग़ैर बघार के जो है ना वो मज़ेदार नहीं होती है, तो दाल को आप लहसुन के साथ जीरे के साथ और राई दाने के साथ भी बघार दे सकते हैं, दोनों ऑप्शंस आपके पास हैं। तो यहाँ हमारे पास ज़ीरा और साबुत लाल मिर्च है, पहले साबुत लाल मिर्च डालें उसके बाद ज़ीरा ऐड करें ताकि टेस्ट जो है वो सारा हमारे ऑयल के अंदर आ जाए, उस ऑयल में जो टेस्ट आएगा वो सारे खाने के अंदर भी आ जाएगा, ठीक है। उसको आपने तैयार कर कर और बहुत ज़्यादा काला ना करें, उससे दाल जो है वो कड़वी भी हो जाती है, ठीक है। ये हमने इसको तैयार कर लिया और ये गर्मा गर्म बघार, ठीक है जी, फाइनली तैयार है। और थोड़ा सा इसमें
हरा धनिया ऐड कर देंगे। चलें जी, दोनों रेसिपी भी तैयार हो गई हैं। अब हमारे पास जो शकील और अदील साबरी ब्रादर्स हैं, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो ये किस इस मौके पर क्या कलाम, जो ये बहुत अच्छा अभी इन्होंने ज़िक्र किया कि अल्लाह ताला सबको नसीब फरमाए। तो इसके हवाले से जो है मुनासबत से जी कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं आका के दरबार में जाके रबी अव्वल बनाऊं। जी अल्लाह पाक हम सबकी ख्वाहिशात को पूरा, आमीन आमीन। और जो इस प्रोग्राम को नाजरीन देख रहे हैं उनकी भी यही ख्वाहिश है, अल्लाह पाक सबकी ख्वाहिश को पूरा फरमाए, आमीन आमीन, जाके हम रबी अव्वल बनाए बल्कि जिंदगी हमारी मदीने में गुजर जाए। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। नबी की याद में आंसू बहाना याद आता है, मदीना याद आता है, नबी की याद में आंसू बहाना याद आता है, मजारे फातिमा पे करबला वालों याद आई, मजारे फातिमा पर करबला वालों की याद आई, करबला वालों की याद आई, करबला वालों की याद आई, नबी की याद में
आंसू बहाना याद आता है मदीना याद आता है नबी की याद में आंसू बहाना याद आता है अदब से बैठ कर उस गुम ویلکم بیک ناظرین اور یہاں جو ہے ہمارے پاس ریسیپیز ہماری تیار ہو چکی ہیں اور دونوں ریسیپیز تیار ہیں اور آج سب سے میری جو تمام دیکھنے والے ہیں تم سب لوگوں سے سوری کہ آج ہم آپ کی کال نہیں لے سکیں لیکن انشاءاللہ منڈے سے دوبارہ لیں گے اور جو بھی آپ کی پرابلمز ہیں انشاءاللہ اس کو ہم کوشش کریں گے سالو کرنے کی لیکن آج کا دن ہمارے لیے بہت بڑا دن ہے اور جو ہے نا ہمارے پاس صابری برادرز موجود ہیں اور ان کے ہوتے ہوئے میں چاہ رہا ہوں کہ اس سے جتنی افادیت اٹھا سکیں اس کا فائدہ اٹھا سکیں ہم اٹھا لیں تاکہ یہ کہ ہمیں اس تھوڑے سے کام کا مجھے بھی اور میرے دیکھنے والوں کو بھی اور تمام لوگوں کو اس کا ثواب بھی مل سکے اور اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور 12 ربیع الاول والے دن کوشش کریں کہ پاکستان کے امن کے لیے دعا کریں اپنے دوستوں کے صحت کے لیے دعا کریں اور جو بھی مشکلات اس وقت ہیں مجھے معلوم ہے بہت مشکلات ہیں پاکستان کے اندر اور بے تحاشا پریشانیاں ہیں تو اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے پاکستان کے تمام لوگوں کو اور پاکستان سے باہر دیکھنے والے تمام لوگوں کو مشکلات ان کی آسان کرے آمین چلتے چلتے ہم جاتے جاتے کچھ کلام پڑھتے ہوئے نکل جاتے ہیں